बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एरिक एरिक्सन की थ्योरी। इनका दौर रहा है 1902 से लेकर 1994 तक। एरिक्सन प्रोवाइडेड अनदर इम्पोर्टेंट थ्योरी रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। इस साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट हैज 8 स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। एरिक्सन इम्फेसाइज्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। किस चीज के ऊपर इन्होंने जोर दिया है कि आपका जो रिलेशनशिप है सोशल और इमोशनल डोमेन्स के ऊपर और उनके रिलेशनशिप के ऊपर इनकी थ्योरी जो है वो बेस करेगी। ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ इन रिजोल्विंग अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इन इन्फेंसी The conflict is trust versus mistrust. Erickson emphasized that an infant will develop trust through interaction. वो क्या कह रहा है, उसने हाइपोथेसाइज किया है कि जो एक इन्फेंट होता है, इन्फेंट कौन होता है जिसकी एज पैदाइश से लेके 2 साल तक होती है, उसका जो इंट्रैक्शन की वजह से उसका जो ट्रस्ट है वो डेवलप होता है विद एन एक्सेसिबल एंड रिस्पॉन्सिव केयर गिवर। कि ये मेरी वालदा है, ये वालिद है, ये बड़े बहन भाई हैं, या ये जान पहचान वाले केयर गिवर के लिहाज से। इनफैक्ट विल डिवेल्प मिसट्रस्ट थ्रू इंट्रैक्शन विद द नेगेटिव और अनरिस्पॉन्सिव एंड अनअवेलेबल केयर गिवर्स। जब उसके अट्रैक्शन नहीं बनती और नेगेटिव रिस्पॉन्सिव आते हैं तो उसका जो ट्रस्ट है वो डिवेल्प होने की बजाय मिसट्रस्ट डिवेल्प हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली इट इज दिस development of trust in infancy that helps an individual to succeed in the next stage of toddlerhood called autonomy versus shame and doubt. एरिक्सन ने कहा है जो सक्सेस ऑफ फर्स्ट स्टेज है लेट हिम टू द सक्सेस ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। सो चाइल्ड इज मोर लाइकली टू डेवलप अ सेंस ऑफ हिज इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर हिज ओन बिहेवियर एंड एनवायरमेंट। द नेक्स्ट टू स्टेज इज द डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट एंड इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी आर पर्टिकुलर क्रिटिकल फॉर टीचर्स। ये दोनों स्टेजेस इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट और इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा खास तौर पे क्रिटिकल होती हैं। अर्ली चाइल्डहुड इज ऑफन द एज व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट बिगन देयर पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड में ऐसी एज होती है बच्चे की जिसमें वो क्या करता है, स्टार्ट करता है पार्टिसिपेशन अपनी फॉर्मल एजुकेशन में। Children must learn to integrate their interest in personal exploration and the use of their imagination working with others. At elementary age, children, the task of integrating personal interests and needs with those of others becomes even more complex. Initial setting mein wo apna interest शो करता है कि दूसरों के साथ मिलके वो काम करना चाहता है। जैसे ही वो एलिमेंट्री एज में जाता है तो यही काम, यही नीड और यही इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है उसके लिए। दे मस्ट लर्न टू फॉलो रूल्स एंड गेट थिंग्स राइट। मोर ओवर दे लर्न टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स एंड वर्क इन ग्रुप्स। और साथ में वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करता है और दूसरों के साथ काम करना शुरू कर देता है एज अ ग्रुप work. Deficiencies at any of these stages may lead to inability of children to take actions on their own. इस stages पे कोई भी deficiencies जो होती हैं वो बच्चे को इस काबिल नहीं करती कि वो आगे further किसी भी चीज में decisions ले सके अपने actions के ऊपर। Developing a sense of inferiority, unproductiveness and feelings of incompetence in regard to their peers and their social rules and abilities.
एरिक्सन्स स्टेज थ्योरी इन इट्स फाइनल वर्जन। अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो इस चार्ट में आपको फोर कॉलम्स मिलेंगे। फर्स्ट कॉलम जो है वो एज का कॉलम है, सेकंड कॉन्फ्लिक्ट का, थर्ड रेजोल्यूशन और विच्यू का, एंड जो फोर्थ है वो कैलमिनेशन इन ओल्ड एज। एज के ग्रुप में आपको एज मिल रही है इन्फेंसी। एरिक्सन ने 0 से लेके 1 साल तक को इन्फेंसी दिया, अर्ली चाइल्डहुड को 1 से लेके 3 साल तक दिया है, और प्ले एज को 3 से लेके 6 साल तक, स्कूल एज को 6 से लेके 12 साल तक, एडल्सन एज को 12 से 19 साल तक, और अर्ली एडल्टहुड को 20 से लेके 25 तक, और एडल्टहुड को 26 से लेके 64 साल तक, और लास्ट इसके बाद जो है वो ओल्ड एज स्पैन से लेके मरने तक की जितनी भी एज है उस स्टेज को इसने दैट का क्लेम दिया है। ये एरिक्सन की 8 स्टेजेस हैं एज वाइज। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। एज 1 जो है इन्फेंसी, 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट इन्फेंट बोलते हैं। इस स्टेज को एरिक्सन इन्फेंसी बोलता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है इसमें? इसमें कॉन्फ्लिक्ट आपके बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या आप अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड से ट्रस्ट बिल्ट अप होगा आपका, या आप नेगेटिव एटीट्यूड से आपका मिसट्रस्ट बच्चे का जो होता है वो डेवलप हो रहा है। रेजोल्यूशन और विच्यू क्या? होप होती है इसमें बच्चे की आप केयर गिवर्स के साथ। कल्मिनेशन इन ओल्ड एज, एप्रिसिएशन ऑफ इंटरडिपेंडेंसी एंड रिलेटेडनेस। ये इस एज के साथ जो आपके इन्फेंट्स होते हैं और ओल्ड एज वाली स्टेज है उसके साथ ये इसका लिंक होता है। अर्ली चाइल्डहुड 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चों के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है? ऑटोनोमी वर्सेस शेम का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। और विच्यू या रिजोल्यूशन क्या होती है? विल। और ओल्ड एज के साथ इसका क्या अटैचमेंट होगा? एक्सेप्टेंस ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ फ्रॉम इंटीग्रेशन टू डिसइंटीग्रेशन। यहाँ पे उसे एक्सेप्टेंस होना शुरू हो जाती है लाइफ की। थर्ड स्टेज है प्ले एज, जो 3 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र के बच्चों की एज है। इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है, या बच्चा इनिशिएटिव लेता है या फिर वो गिल्ट फील करता है। कोई भी काम करने के लिए उसके रेजोल्यूशन या विच्यू क्या? पर्पज होता है। यहाँ पे क्या ह्यूमर है, एम्पथी है, रेजिलेंस है। फोर्थ एज है स्कूल एज, 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चों की। इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी है, और रेजोल्यूशन विच्यू क्या? कॉम्पिटेंस होना चाहिए। इसमें क्यूमिनेशन इन ओल्ड एज जो है वो इम्यूनिटी है, एक्सेप्टेंस ऑफ द कोर्स ऑफ वंस लाइफ एंड अनफुलफिल्ड होप्स है। नेक्स्ट एज है एडल्सन, 12 से लेकर 19 साल तक। इसमें कॉन्फ्लिक्ट है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। इसमें आपके रेजोल्यूशन और विच्यू क्या है? फाइडलिटी। और क्यूमिनेशन इन ओल्ड एज क्या है? सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, मर्जिंग ऑफ सेंसरी लॉजिकल एंड एस्थेटिक परसेप्शन। सेंसरी जो आपके 5 सेंसेस होते हैं, लॉजिकल आप जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं लॉजिक्स के साथ, लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग के साथ, और एस्थेटिक क्या आपको ब्यूटी और अगली के बारे में यहाँ पे परसेप्शन सेट हो जाती है। देन आपके पास अर्ली अडल्टहुड है 20 से लेकर 25 साल तक, जिसमें इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। ये रेजोल्यूशन विच्यूज का क्या होता है? लव। इसमें क्लिमिनेशन इन ओल्ड एज क्या होती है? सेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप, वैल्यू ऑफ टेंडरनेस एंड लविंग फ्री। नेक्स्ट 7th स्टेज है एडल्टहुड, 26 साल से लेकर 64 साल तक की एज ग्रुप को ये एरिक्सन का 7th स्टेज बोलते हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट है जेनेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, और इसमें रेजोल्यूशन और विच्यू क्या होता है? केयर। क्लिमिनेशन इन ओल्ड एज इसमें क्या है? कैरिटास, केयरिंग फॉर अदर्स एंड अगेप, एम्पथी एंड कंसर्न। लास्ट एज स्टेज क्या है ओल्ड एज? इसमें एज होती है 65 से लेके डेथ तक। इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, और रेजोल्यूशन ऑफ विच्यू क्या है? विजडम। क्लिमिनेशन इन ओल्ड एज क्या है? existential identity, a sense of integrity strong enough to withstand physical disintegration।
उम्मीद है आपको ये सारी